हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि बिहार से आया है। तो इसमें आप देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में, उनके सिलेक्शन के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो इस सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो ओपनिंग है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो ऑलमोस्ट 4638, तो 4638 जो भर्तियां हैं वो होंगी बिहार जो है वो करेगा, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी वो है 4638, और ये जो वैकेंसी ये सारे सब्जेक्ट्स में है, ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं मोस्टली हर सब्जेक्ट में वैकेंसी को निकाला गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप जो है कोई भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले गूगल पे टाइप करना है BSUSC, ठीक है। जैसे आप BSUSC टाइप करेंगे तो आपका जो है विंडो में, नेक्स्ट विंडो में आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसका ओपन हो जाएगा। तो ये BSUSC क्या है, ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट bsusc.bihar.gov.in है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे कौन से कॉलेजेस में वैकेंसी निकाली है और साथ ही साथ क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे विल सेलेक्ट द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। इसलिए आप वीडियो को एंटर जरूर देखिए, ठीक है। तो जैसे आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे आप ओपन करेंगे तो बिहार की BSUSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसके लिए आपको करना क्या, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्स न्यू में दिखेगा इंग्लिश वर्जन ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार स्टेट। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये 25 सितंबर को इंग्लिश वर्जन में आया था, इससे पहले जो वर्जन था वो हिंदी था। साथ ही गाइडलाइंस भी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार स्टेट। तो देखिए ये हिंदी वर्जन है और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इंग्लिश वर्जन पे। तो जैसे आप इंग्लिश वर्जन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या आपको, आपको ये डाउनलोड जो हो गया है ये एडवर्टाइजमेंट इसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, क्या क्या आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और किसकी किस क्या API इंडेक्स होना चाहिए, कि कौन से API इंडेक्स के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए जो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, इससे पहले हम देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी या पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है इसने क्या किया है, अपने जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे इसने क्लियरली हम मेंशन कर रखा है कि कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या वैकेंसी, कितनी कितनी वैकेंसी है। तो देखिए अरेबिक में 2 वैकेंसी, इंग्लिश में 253 वैकेंसी है। तो देखिए जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब कॉलेजेस में मिला के जितनी वैकेंसी निकाली है वो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने जितनी भी वैकेंसीज है कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में उन सबको कंबाइन करके निकाला है। तो देखिए और जितने सब्जेक्ट है मोस्टली सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखेगी, जैसे बॉटनी में 333 है, केमिस्ट्री 332, फिजिक्स 300, ठीक है। तो ये देखिए पूरी वैकेंसी यहाँ पे देख मेंशन कर रखी है, आपको जिस भी सब्जेक्ट में जो फॉर्म को फिलअप करना आप वो फिल कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन जो वो 23 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है इसकी ये है 2 नवंबर 2020। और साथ ही साथ इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी भेजना है और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट डिग्री थ्रू रजिस्टर पोस्ट और स्पीच पोस्ट ओनली। और इसकी जो लास्ट डेट 24 नवंबर, यानी 24 नवंबर से पहले आपका जो है फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए बिहार में, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पास, ठीक है। तो चलिए हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, अब ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं। तो इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है सीट्स के बारे में, तो टोटल सीट्स जो दे रखी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी जो है सीट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की।
तो हम देख लेते हैं इसको, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया या एपीआई इंडेक्स, किस बेस पे जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए स्क्रॉल डाउन करिए, करते करते आपको एंड में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पे स्केल की हम बात करें तो पे स्केल जो भी यूजीसी का रहता है सेम पे स्केल मिलेगा आपको, यूजीसी का पे स्केल मिलेगा। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की, तो आपका एमएससी होना, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, वे 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आपने जो है, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड है या आप ओबीसी या एससी एसटी है, तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5% मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जिस भी कास्ट के हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी और स्टेट से फॉर्म को फिलअप कर रहे, सपोज अगर आप बिहारी, बिहार के निवासी नहीं है, आपने अगर यूपी या आंध्रा या तमिलनाडु या कहीं किसी और स्टेट से आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो यहाँ पे आपको एज ए जनरल कैटेगरी आपको अप्लाई करना होगा। वहां पर आपको कोई भी कोटा नहीं मिलेगा, आप एज ए जनरल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करें दूसरी एलिजिबिलिटी की, तो आपको इसके साथ साथ आपका नेट होना चाहिए, यूजीसी या सीएसआई का नेट होना चाहिए, या सेट या सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जिनका वे स्टूडेंट जिन्होंने जो पीएचडी जो है वो 2099 से पहले रजिस्टर्ड किए, तो उनके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेगुलर मोड में, पीएचडी थीसिस जो है इवेल्युएशन होना चाहिए, दो मिनिमम टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से, और ओपन वाइवा वॉइस होना चाहिए, और जो है टू रिसर्च पेपर होने चाहिए फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क, जिनमें से एक जो पेपर होना चाहिए इट शुड बी रिफर्ड जर्नल, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो है कैंडिडेट को अपने दो पेपर्स को प्रेजेंट करना होगा या किया हो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में, ठीक है। तो ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो 2009 से पहले किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो मैंने आपको वहां बता दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था एज पर एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए ये सब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है। तो स्क्रॉल डाउन करना है हम लोग को, और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अगर आपका ग्रेड पॉइंट है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज के बेस पे, ये डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है ये कन्वर्जन टेबल आपको देती है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। और एज लिमिट देखिए, एज लिमिट जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 55 ईयर, ठीक है। यानी ये 1 जनवरी 2020 तक आपकी एज 55 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बताया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो डिपेंड करता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के बेस पे। तो 100 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे मिलेंगे, और 15 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू की बेस पे मिलेंगे। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो 100 मार्क्स जो है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे रहेगा, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 15 रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे 115 मार्क्स का आपका जो है पूरा एकेडमी एपीआई इंडेक्स टाइप का रहेगा, ठीक है। तो आपको टोटल 115 मार्क्स का यहाँ पे होगा, और उसकी बेस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। देखिए अब क्राइटेरिया क्या है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विल बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अकेडमी रिकॉर्ड दे रखे हैं, जैसे ग्रेजुएशन में आपके अगर 80% ज्यादा है तो आपको यहाँ पे जो स्कोर है 15 मिलेगा, अगर 60% टू लेस देन 80% 13 मिलेगा। तो ऐसे करके इन्होंने जो है वो परसेंटेज की बेस पे क्राइटेरिया दे रखा है। वहीं पीजी डिग्री में अगर आपका 80% या अबव है 25 आपको स्कोर मिलेगा, वहीं का 60% और 80% के बीच में 23 मिलेगा। वहीं अगर आपका पीएचडी है तो 30 मार्क्स 30 स्कोर आपको मिलेगा, अगर नेट है जीआरएफ के साथ तो 7 मिलेगा, नेट है तो 5 मिलेगा, स्लेट या सेट है तो 3 मिलेगा। वहीं बात करें रिसर्च पब्लिकेशन की, तो अगर आपके पास जो है 5 पब्लिकेशन तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा, अगर 3 है तो आपको 6 स्कोर आपका रहेगा। वहीं अगर आप टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 10 स्कोर मिलेगा। वहीं अगर आपका बात करें अवार्ड का, तो अगर आपको इंटरनेशनल नेशनल कोई लेवल का अवार्ड मिला या फेलोशिप मिली इंटरनेशनल लेवल की या नेशनल लेवल का, अगर आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके किसी फेलोशिप, जैसे कि साइंस की फील्ड में न्यूटन भाभा फेलोशिप अगर आपको मिली है, तो यहाँ पे आप जो है एज एन अवार्ड उसके लिए 3 स्कोर आपको मिलेगा। वहीं अगर आपको कोई स्टेट लेवल का अवार्ड भी मिला है तो आपको यहाँ पे 2 स्कोर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल पीएचडी का 30 मार्क्स, जो कि बहुत ही हैवी वेटेज है, यानी अगर आपके पास पीएचडी है तो आपका जो है 30 मार्क्स मिलेगा आपको। वहीं जेआरएफ नेट सेट है तो मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स मिलेगा, इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम जो है 3 अवार्ड 3 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल देखिए एकेडमिक स्कोर 80 हो गया, रिसर्च पब्लिकेशन 10,
टीचिंग पब्लिकेशन एक्सपीरियंस 10 तो टोटल 100, ठीक है। इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी, जो अकॉर्डिंग जो जैसा होता है, जैसा सारे फॉर्म में होता है सेम रिजर्वेशन पॉलिसी भी रहेगी। वहीं अगर आप किसी दूसरी स्टेट से कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा कास्ट का, ठीक है। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। आप देखिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो आपको 300 मिलेगी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 300 होगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका 300 होगा। वहीं एस सी एस टी के लिए, जो कि बिहार के लिए है, 75 रुपीज। वही फॉर वुमेन कैंडिडेट हुआ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, वो रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 75 है। फॉर फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 40% और मोर कैंडिडेट 75 रुपीज जो है वो फी है। और जो फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट के लिए 300। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से किसी अदर स्टेट से अप्लाई करें तो आपको 300 जो है रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको अपना फॉर्म जो फिलअप करने के बाद उसका हार्ड कॉपी जो है भेजना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या भेजना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीएचडी डिग्री होल्डर बिफोर 11 जुलाई 2019, द सर्टिफिकेट रिगार्डिंग 5 पॉइंट इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पॉइंट, ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, नेट बेट सर्टिफिकेट, कन्वर्जन वाला भी आपको जो है लेटर भेजना पड़ेगा, जिसमें कि आपका जो है सीजीपीए परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ है वो भी आपको भेजना पड़ेगा। इसके बाद लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डिग्री ऑफ पीएचडी डिग्री होल्डर रजिस्टर बिफोर 11 जुलाई 2009, ठीक है। तो उसके लिए लेटर भेजना पड़ेगा। और रिसर्च आर्टिकल मैक्सिमम 5 तो वो भी आपको भेजना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस वो भी भेजना पड़ेगा। पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो भी भेजना पड़ेगा। एकेडमिक अवार्ड सर्टिफिकेट नेशनल इंटरनेशनल वो भेजना पड़ेगा। एकेडमिक अवार्ड सर्टिफिकेट स्टेट लेवल तो वो आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, द कैंडिडेट विल डाउनलोड अ कंप्लीट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम डैशबोर्ड एंड हार्ड कॉपी मार्क्स देयर सिग्नेचर इन ब्लू इंक बॉल पेन बोथ हिंदी हिंदी एंड शुड मैच द गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर दिस कैंडिडेट शुड सेंड डाउनलोड अ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिग्री दिल्ली एसोसिएशन बिहार यूनिवर्सिटी 8th फ्लोर बुद्ध, ये एड्रेस दे रखा है यहाँ पे। और ये जो आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो 24 नवंबर से पहले जो है भेज देना चाहिए, ठीक है। और आपको मेंशन करना पड़ेगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम और सब्जेक्ट, यूनिक आईडी, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है। ये सब आपको भेजना पड़ेगा। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिग्री आर नॉट रिसीव्ड इन द कमीशन ऑफ अंटिल द स्पेसिफिक डेट टाइम। अगर ये सब सारे डॉक्यूमेंट और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर ये टाइम पे नहीं पहुंचा तो आपका जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो थे वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसका जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपसे सब डिस्कस कर लिया है। आप देखिए शेड्यूल 1 भी दे रखा है इन्होंने, तो कंसर्ट कोर सब्जेक्ट, एलाइड 11 सब्जेक्ट, जूलॉजी। इसके बाद अगर आप जूलॉजी के लिए अप्लाई कर ले तो अगर आपने एलाइड 11 सब्जेक्ट फिश एंड फिशरी, एक्वाकल्चर, एंटोमोलॉजी इनमें किया है तो आप जो है एलिजिबल हैं जूलॉजी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने जो एलाइड सब्जेक्ट की भी दे रखे हैं और जो कोर सब्जेक्ट भी दे रखे हैं, जैसे बॉटनी जो कोर सब्जेक्ट है, नहीं जो एलाइड सब्जेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, ये सब है, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्होंने ऑलरेडी मैंशन कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे और सब्जेक्ट के लिए भी है। तो ये देखिए ये जो पूरा नोटिफिकेशन है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया डिटेल में। तो अगर आपको कोई और चीज पूछनी है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अपना वीडियो जो यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाइए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।